सच न्यूज आईना सच का, सिर्फ सच से करवाए रूबरू। सच न्यूज आईना सच का। आई थिंक इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हम तो यही होगा। तो तहे दिल से मैं खासकर इंडिविजुअली नहीं कहूँगा, पूरी टीम को लेके कहूँगा कि हम बाली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि आगे भी वो अपना ऐसे टूर्नामेंट कराएं, ताकि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और ताकि बेटर अच्छा से अच्छा कर सके। टूर्नामेंट जो हुआ, ऑर्गेनाइजर बॉडी जो हमारे साथ थी, उन्होंने बड़ा इसमें तावन दिया। सबसे बड़ा मुबारकबाद बाली साहब को देना चाहता हूँ कि यूथ को बड़ा एक मौका मिला यहाँ पे जो टूर्नामेंट करवाने का। और मेरे को भी पूरा विश्वास है बाली साहब के साथ पूरा यूथ है, और मैं और एक बार बाली साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और जो अगला टूर्नामेंट यहाँ पे उखड़ाल में जो करवाएंगे और देने की कोशिश की। और हमने इस टूर्नामेंट का मेन मकसद जो है, हमारे जो पोगल प्रस्थान के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हमारे बुजुर्गों की देन है, उसी चीज़ को, उसी एक इतिहास को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए जारी रखने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे बुजुर्गों की देन है हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हमारे पोगल प्रस्थान में एक मिसाल बन के चल रहा है, पूरी दुनिया में इसका एक मिसाल है, उसको कायम रखने के लिए हमने प्यार मोहब्बत के नाम पर ये एक टूर्नामेंट कराया। जिस सबसे पहले सबसे सटीक देखते रहिए सच न्यूज़ आईना सच का।